हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स चैप्टर 6 का टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट लेके आए हैं। अब तक इस एक्सरसाइज में स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स में आप स्ट्राइकिंग में आप हैमर के बारे में जानें और होल्डिंग टूल्स में आप जो है भाइस के बारे में आपको बताया गया कि भाइस क्या होता है। तो ये दोनों टूल्स से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो चलिए आज एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बेंच वाइज की बॉडी बनी होती है। तो बेंच वाइज टाइप्स ऑफ वाइस पढ़ाया गया था आपको। तो बेंच वाइज की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। ए नंबर सही होगा। अगला दो नंबर क्या है, वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो वाइस क्लैंप एक जैसे कि बेंच वाइस हो या कोई भी वाइस हो, तो वाइस का जो जॉ प्लेट होता है, मान के चलिए ये जॉ है, एक फिक्स जॉ है, एक मूवेबल जॉ है। तो उसमें जॉ प्लेट, ये मान के चलते ये वाला अंगूठा मेरा जो है जॉ प्लेट है, इसमें एक एल्युमिनियम का पत्थर अगर हम दे देते हैं, क्योंकि जॉ प्लेट जो होता है तो यहाँ पर सरफेस में, इसका सरफेस में देखिएगा गौर से, तो बिंदा बिंदा रहता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि अगर मेरा कोई जॉब है, सरफेस में क्या रहता है, बिंदा बिंदा रहता है जॉब प्लेट का सरफेस में। अगर मेरा कोई जॉब है, अब इसमें हम अगर टाइट कर दें जॉब को, तो क्या होगा, फिनिश जॉब जो मेरा फाइलिंग किया हुआ है उसमें ये जो है मतलब स्पॉट जो है उसका सरफेस पे आ जाएगा, फिनिश जॉब के सरफेस पे आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम या मुलायम धातु का जो है एक चदरा जो है उस पर हम इस पर रख कर उसके बाद कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको मतलब मान के चलिए कि जॉ प्लेट पे चिपका देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा ना, वही उसी को हम लोग बोलते हैं वाइस क्लैंप। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फिनिश सतह के बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसका सरफेस जो होता है, जो मेरा फिनिश जॉब है, उसका सरफेस मेरा बचा हुआ रहे, उस पर कोई मतलब कि स्क्रैच नहीं आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइस क्लैंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीन नंबर दिया हुआ है, दिए गए बेंच वाइस के चित्र में एक्स अंकित भाग की पहचान कीजिए। तो एक्स यहां पर है, तो हम क्या बोले थे, ये जो है फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, ये दो गो जॉ प्लेट कहलाएगा, ये पूरा बॉडी कहलाएगा, ये स्पिंडल है, स्पिंडल में क्या है, हैंडल लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है ये मूवेबल जॉ का बात कर रहा है। ठीक है, तो स्पिंडल, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ और हार्ड जॉ। हार्ड जॉ मतलब क्या, वो वाला जॉ प्लेट का बात हो रहा है हार्ड जॉ के बारे में। तो यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब है ये बी नंबर होगा, मूवेबल जॉ। ठीक है, अगला देखिए, चार में क्या बोलता है, दस्ती वाइस यानी कि हैंड वाइस का बात हो रहा है। दस्ती वाइस का प्रयोग किया जाता है हेवी जॉब को फिक्स करने के लिए, नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए या छोटे छोटे कार्य करने के लिए। तो छोटे छोटे जॉब पर कार्य करने के लिए हैंड वाइस का उपयोग किया जाता है, इसका डी हो जाएगा। अगला क्या है, चित्र में दर्शित हथौड़े के शीर्ष को पहचानिए। ये जो शीर्ष है ऊपर वाला, ये बॉल पिन हैमर का है ना, बॉल के जैसा गोल है, गेंद के जैसा, तो स्ट्रेट पिन, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला सिक्स में क्या बोल रहा है, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है। हम बताए थे आपको, वाइस जब पढ़ाए उस पीरियड में हम बताए थे कि वाइस के जो नॉमिनल साइज का जो है आपका वाइस का नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। तो वाइस का साइज कैसे लिया जाता है, जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो जॉ की चौड़ाई जितना होगा वही वाइस का
साइज का लाएगा, तो वाइस का साइज का क्या होगा, ढाई गुना बी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, हम बताए कि चार फिगर दे देगा आपको, एक एक वाइस को पहचानने के लिए बोलेगा, तो यही दिया हुआ है चार फिगर मान के चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, चित्र में दर्शाई गई होल्डिंग डिवाइस में से सी क्लैंप को पहचानिए। तो सी क्लैंप ये हैंड वाइस हो गया, ये पाइप वाइस हो गया, ये पिन वाइस, ये सी आकार का है इसलिए सी क्लैंप इसको बोलते हैं। ये स्पेशल वाइस में हम बताए थे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सी क्लैंप और पैडल क्लैंप, तो ये सी क्लैंप वाइस है, ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा ये। तो जब तक आप वाइस को फिगर से नहीं पहचान पाइएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, आठ में बेंच वाइस के स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो हम वाइस जब पढ़ाए आपको तभी बताए थे कि स्क्वायर थ्रेड कटी होती है बेंच वाइस के स्पिंडल पर। अब दी गई वाइस को पहचानिए, ये जो फिगर दिया हुआ है ये पिन वाइस का फिगर है, तो ए नंबर हो जाएगा पिन वाइस। दस में क्या बोल रहा है, सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो बेंच वाइस का जो ऊंचाई होता है 106 सेंटीमीटर, मतलब जनरली वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, उसका ऊंचाई जो रहेगा बेंच वाइस का, मान के चलिए बेंच वाइस का जो बेंच का जो ऊंचाई है उससे थोड़ा सा उस पर वो मतलब मान के चलते हैं वाइस लगा हुआ रहता है, तो वाइस का हाइट जो बताया जा रहा है बेंच वाइस का 106 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला देखिए, इस तरह का जो है आपको स्ट्राइकिंग कौन सा हथौड़ा करता है ये पूछ रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा उपयुक्त है, ठीक है। बॉल पिन तो नहीं होगा, क्रॉस पिन होगा, स्लेज नहीं होगा, मैलेट नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रॉस पिन हैमर होगा ये वाला, स्टेप बाय स्टेप आप हैमरिंग कर सकते हैं इसमें। अगला क्या है, एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं, एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं वाइस क्लैंप के द्वारा, सी क्लैंप के द्वारा, बेंच वाइस के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाइस क्लैंप बोल के कुछ नहीं होता है, बेंच वाइस होता है, सी क्लैंप होता है, तो सी क्लैंप के द्वारा क्या होगा, एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, हथौड़े का साइज किसके अनुसार लिया जाता है। तो हम बताए थे कि पीन और उसका भार को देखते हुए हथौड़े का साइज लिया जाता है, तो पीन की लंबाई फेस के व्यास के अनुसार, हथौड़े के वजन के अनुसार, और आपका हैंड की ऊंचाई के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, हथौड़े के वजन के अनुसार आपका हथौड़े का साइज लिया जाता है। अगला है, ये जो है सी क्लैंप है, ये तो आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जो ये एक्स दिया हुआ है, ये एक्स कौन सा भाग है, ये वाला, तो ये वाला जो भाग होता है स्पिंडल किधर गया, हैंडल, स्क्रू रॉड या स्पिंडल, स्क्रू रॉड बोलते हैं या ऑब्लिक दिया हुआ स्पिंडल, तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगला क्या है, पंद्रह में, निम्नलिखित में से किस टूल्स का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सुराख हो या रिवीट का ऊपर का हेड को फैलाना हो, वो सब क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर से करते हैं, तो ये हो जाएगा पंद्रह का ये। अगला क्या है, मैलेट को डैश से बनाया जाता है। मैलेट का जहां सवाल आएगा, तो एक रबड़ मैलेट भी होता है, एक वुडन मैलेट होता है, तो देख लीजिए हार्ड लकड़ी और रबड़ का तो कहीं बात नहीं किया है, तो हार्ड लकड़ी हो जाएगा, चीड़ की, चीड़ का लकड़ी होता है ये, ठीक है। तो मैलेट जब भी आएगा तो दो तरह का मैलेट होता है, एक वुडन वाला, एक रबड़ वाला, तो यहाँ पे रबड़ का जिक्र नहीं है, हार्ड लकड़ी का जिक्र है, तो हार्ड लकड़ी होगा। अगला क्या है, सत्रह नंबर, कि स्ट्रेट पिन हैमर से चैनल ग्रुप बनाए जाते हैं, गहराई बनाई जाती है, सीट समतल की जाती है, और आपका एंगल सीधा किया जाता है। तो सत्रह नंबर में क्या होगा, सीट समतल की जाती है, स्ट्रेट पिन है ना, स्ट्रेट पिन, पिन उसका जो रहता है उसका ऊपर वाला भाग फेस के अपोजिट, तो स्ट्रेट पिन से क्या करते हैं, सीट समतल करते हैं,
ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में आप ये वाला जो हैमर है वो पूछ रहा है कि कौन सा हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा, देख लीजिए ये 18 नंबर क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा, सी नंबर। 19 में क्या बोल रहा है, चित्र में दर्शित औजार का नाम बताइए। ये बोल रहे हैं बार बार कि आप हैम वाइस टाइप्स ऑफ वाइस का इमेज अगर आपके दिमाग में है तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि कौन सा वाइस है ये। तो ये वाइस हैंड वाइस है, किधर गया हैंड वाइस, हैंड वाइस यहाँ डी नंबर लिखा हुआ है, डी में, तो हैंड वाइस हो जाएगा। फिर ये वाइस के बारे में पूछ रहा है, ये जो है पाइप वाइस दिख रहा है आपको, ये पाइप वाइस है, तो ए नंबर हो जाएगा 20 का। फिर यहाँ चित्र में दर्शित वाइस का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर इस तरह का ये है। तो ये जो वाइस है इसको गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्विक रिलीज वाइस है या टूल मेकर वाइस है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ये सी नंबर होगा, टूल मेकर वाइस है, ठीक है। अगला है, चित्र में दिए गए हथौड़े में से क्लॉ हैमर कौन सी है, मतलब क्लॉ हथौड़े कौन को पहचानिए। तो क्लॉ मतलब हम बोले थे कील निकालने वाला, तो ये वाला फिगर दिख रहा है क्लॉ हैमर, इसको जंबो हैमर भी बोलते हैं, तो डी हो जाएगा इसका। अगला क्या है, 23 में, हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम, ज़्यादा हेवी वेट वाला है, यानी कि सीधा चल जाइए स्लेज हैमर, बी नंबर, ये फोर्जिंग शॉप में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है, हथौड़े के भाग ए को पहचानिए, ये वाला, तो आई होल बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हिंदी भी देखिएगा, तो होल मतलब छिद्र होता है, ये तो जान ही रहे, तो चक्षु छिद्र कहलाता है, ये बी नंबर होगा। अगला है कि दिए गए क्रॉस पिन हथौड़े के एक्स से लेवल भाग को पहचानिए, ये एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है, चीक है, ठीक है, डी नंबर होगा इसका, ये चीक होगा। 25 हो गया, 26 में क्या बोल रहा है, हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा क्या कहलाता है, या तो आप ऊपर पिन तरफ से मार रहे हैं या फेस से मार रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर पिन दे देगा, कहीं पर आपको फेस का ऑप्शन देगा, यहां पर पिन का ऑप्शन दिया तो पिन होगा, आंख आई नहीं होगा, हैंडल नहीं होगा, चीक नहीं होगा। आप स्ट्राइक मतलब वहां पर किस भाग से चोट मारते हैं वो पूछ रहा है, तो पिन से या फेस से, यहाँ फेस का बात नहीं किया, यहाँ पिन का बात किया, तो पिन होगा। किस प्रकार के रेंच का जबड़ा स्क्रू की सहायता, देखिए रेंच एक क्वेश्चन आ गया है, रेंच से स्क्रू की सहायता से समानांतर खुलता है अलग अलग आकार के नटों के लिए, तो एडजस्टेबल रेंच आप जान रहे हैं, या आप पाइप रेंच जिसको बोलते हैं, पाइप रेंच, ए नंबर होगा इसका। स्ट्रेट पिन हैमर का पिन होता है, स्ट्रेट पिन या क्रॉस पिन दोनों का देखिएगा, स्ट्रेट पिन का हैमर का पिन जो होगा वो आपका हैंडल के एंगुलर, हैंडल के सीध, हैंडल के क्रॉस और हैंडल की ओर, बी नंबर हो जाएगा, हैंडल के सीध में स्ट्रेट पिन हैमर का होगा पिन, ठीक है। 29 में क्या बोल रहा है, लकड़ी से बने हथौड़े को निम्न रूप में जाना जाता है, लकड़ी से बने हैमर को मैलेट बोलते हैं, आपको पता होगा जब हम हैमर का क्लास लिए थे उस समय बताए थे, मैलेट दो प्रकार का होता है, एक वुडन वाला, एक रबड़ वाला। तो यहाँ पे लकड़ी से बने हथौड़े को क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। अगला है, बेंच वाइस का घूमने योग्य जबड़ा स्पिंडल को घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है, मतलब फ्री हो गया है, ठीक है, हैंडल घुमा रहे हैं, स्पिंडल भी घूम रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, कौन, मूवेबल जॉ, आगे पीछे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका कारण निम्न हो सकता है,
इसका एक ही कारण हो सकता है, स्पिंडल का पिन जो है टूट जाता है, तब होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है देखिए वाइस, वाइस की बॉडी बनी होती है, तो वाइस की जब पूछ दे वाइस की बॉडी बनी होती है तो ढलवा लोहे की, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड, ये बार बार आ रहा है, स्क्वायर थ्रेड होगा, सी नंबर, बताया भी गया था बेंच वाइस जब क्लास लिए थे। अगला क्या है, बेंच वाइस विनिर्दिष्ट की जाती है, तो बेंच वाइस को जोड़ की वीट्स से ही निर्दिष्ट की जाती है, या फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, बेंच वाइस डैश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, तो जबड़े की चौड़ाई, हम बार बार बोल रहे हैं बेंच वाइस या कोई भी वाइस हो, वाइस का जो साइज है वो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ जोड़ की वीट्स से और यहाँ जबड़े की चौड़ाई से, ठीक है। अगला क्या है, एक्स जो पार्ट है वो उसका नाम बताइए, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ का बात कर रहा है, जॉ प्लेट का बात कर रहा है, जॉ प्लेट को हिंदी में हार्ड जबड़ा जिसको बोलते हैं, ये होगा डी नंबर, जॉ प्लेट हार्ड जबड़ा बोलते हैं, ठीक है। अगला है वाइस क्लैंप डैश प्रयोग किया जाता है, वाइस क्लैंप, ठीक है, वाइस क्लैंप हम स्टार्टिंग में बोले थे कि जॉ प्लेट में जो दांतें कटी होती है वो दांत फिनिश जॉब की सतह पर ना आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, वाइस क्लैंप का उपयोग करते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का, इस पे जॉब प्लेट पे हम इसको ऊपर चढ़ा के, दोनों तरफ चढ़ा के, तब जाके हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब का जॉब को हम टाइट करते हैं, ताकि इसका जॉब प्लेट का जो इसका जो नर्लिंग किया हुआ पार्ट है उसका वो मतलब स्क्रैच ना ला दे मेरा आपका जाके फिनिश जॉब का सरफेस पर। तो क्या बोल रहा है, वाइस क्लैंप का प्रयोग, वाइस क्लैंप डैश प्रयोग किया जाता है कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, दृढ़तापूर्वक कार्य वस्तु को कसने के लिए, पूर्ण सतह की रक्षा करने के लिए, या चलायमान जबड़ों को रेती होने से रोकने के लिए। तो आपको इसमें यही लग रहा है कि सी नंबर होगा, जो पूर्ण सतह है, जो मेरा सरफेस जो है, मेरा जॉब का जो फिनिश सरफेस है उसका क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो सी नंबर हो जाएगा वाइस क्लैंप का। अगला तो वही था, बेंच वाइस डैश द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाता है, तो जबड़े की चौड़ाई से, ठीक है। अगला आ जाइए, 36 हो गया, 37 में क्या बोल रहा है, इंजीनियर्स हथौड़े का भार डैश मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, 250 ग्राम का जो है मार्किंग, उसका जो भार होता है 250 ग्राम का होता है इंजीनियर्स हथौड़ा का, ठीक है, जनरली। अब इंजीनियर्स वाइस, तो हम बताए थे कि बेंच वाइस को ही इंजीनियर्स वाइस कहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बेंच वाइस नहीं लिख के इंजीनियर्स वाइस लिख दिया है, का आकार डैश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो बस जबड़े की चौड़ाई, सीधा सीधी याद रखना यही कि जबड़े की चौड़ाई से आपका आकार उस वाइस का आकार आपको इंगित किया जाता है, उसका कोई भी वाइस का। अगला क्या है, पिन यानी कि ऊपर वाला भाग, क्रॉस पिन, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, हैमर का एक भाग होता है, ठीक बात है। पिन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, सही है, निम्न में से कौन सा एक पिन का प्रकार नहीं है, तो अभी हम बताए क्रॉस पिन, बॉल पिन और स्ट्रेट पिन, तो देख लीजिए बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, तो बैंड पिन कोई पिन नहीं होता है, ये गलत है, डी नंबर होगा, प्रकार नहीं है ये। अगला है 40 में, बेंच पर शिकंजे को अधिक कसने से किस चीज का नुकसान होगा, तो कोई भी अगर जॉब को हम ज्यादा टाइट करके आपको कस दें तो क्या हो जाएगा, फिक्स जॉब खराब हो जाएगा, डी नंबर होगा इसका, ठीक है। मूवेबल जॉब तो खैर वो ज्यादा नहीं, लेकिन फिक्स जॉब पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो खराब होगा।
41 में क्या बोल रहा है, किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग बेंच वाइज के स्पिंडल, तो बस स्पिंडल में चूड़ी जो है एक में वर्ग वर्ग, देखिए यहाँ वर्ग लिख दिया है, स्क्वायर नहीं लिख के वर्ग लिखा है, तो कन्फ्यूजन में नहीं रखिएगा, स्क्वायर चूड़ी का ही बात बोल रहा है ये, वर्ग चूड़ी बोलते हैं जिसको स्क्वायर थ्रेड कटा होता है क्या स्पिंडल में, ठीक है। अगला क्या है 42 में, आमतौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़े बनाने के लिए किया जाता है, तो हथौड़े हथौड़ा के लिए जो है आपका ढलवा लोहा होगा, नहीं सॉरी ढलवा स्टील होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका, हथौड़े के लिए क्या होगा ढलवा स्टील या फिर ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बात बोले थे आपका हथौड़े के लिए, तो दो तरह का आपका हेवी वर्क वाला जो भी होगा या ढलवा स्टील का होगा या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है, जब हैमर वाला टॉपिक का वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं, तो ढलवा स्टील हो जाएगा यहाँ पर। 43 में क्या बोल रहा है, हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है जाना जाता है, तो यहाँ फेस है, पीन है, चीक है, आई होल है, तो जहां पे ये दोनों दे दे फेस और पीन, तो वहां पे आपको जो है फेस को ज्यादा प्रायोरिटी देके फेस को मारिए आप। देखिए पीन से भी हम लोग स्ट्राइकिंग चोट पहुंचाते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं, ऊपर वाला जो गोल रहता है, डबल फेस अगर रहेगा, डबल फेस हैमर कहलाता है, दोनों तरफ समतल रहता है ऊपर नीचे, एक होता है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, तो पिन भी है, लेकिन पिन और फेस जहां दो दोनों दे दे तो फेस को प्रायोरिटी दे के फेस को आपको टिक लगाना है। अगला क्या है, वाइस में मुलायम जॉ क्यों उपयोग किए जाते हैं, मुलायम जॉ, ठीक है, तो हार्ड मुलायम जॉ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब तरीका चेंज कर दिया, मुलायम जॉ मतलब वही है जॉ प्लेट पे जो आपका जॉ प्लेट क्लैंप लगाते हैं जो एल्युमिनियम का होता है, या फिर आप कूट जो मोटा वाला कूट होता है उसको भी आप लगा सकते हैं, ताकि क्या हम बोल रहे थे कि फिनिश जॉब का सरफेस सुरक्षित रहे, तो यहाँ क्या बोल रहा है फिनिश जॉ की सुरक्षा करने के लिए, सही बात है, ए नंबर हो जाएगा, मुलायम जॉ का उपयोग करते हैं। 45 में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य में प्रयोग किया जाता है, जब भी भारी भारी मतलब स्ट्राइकिंग करना है बहुत ज़्यादा हीवी वर्क वाला में जहाँ फोर्जिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पे भारी पिटवा कार्य में अगर इस्तेमाल करना है कोई भी हथौड़े का, तो वो हथौड़ा कौन सा होगा, स्लेज हथौड़ा होगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, मृदु क्लैंप को, देखिए मृदु क्लैंप यहाँ पर क्या बोल रहा था, मुलायम जॉ यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लैंप, बात वही है ठीक है, को बेंच वाइस में सीट मेटल की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह दबाव के निशान को रोकता है, यही होगा, तो जब तक आप मतलब नहीं होता है कि पॉइंट को नहीं समझिएगा कि क्या बात हो रहा है, मृदु क्लैंप, अब बोलिएगा कि बेंच वाइस में मृदु क्लैंप कहाँ पर है, आपका सॉफ्ट क्लैंप, तो वही आपका जॉ प्लेट का जो नर्लिंग किया हुआ पार्ट है वो छप ना जाए आपका फिनिश जॉब की सतह पर, तो वह दबाव के निशान को वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला 47 में, बेंच वाइस को और किस नाम से जानते हैं, तो बेंच वाइस को इंजीनियर्स वाइस बोलते हैं, वाइस का टॉपिक में देखिएगा हम बताए भी हैं, इंजीनियर्स वाइस बोलते हैं। अब देखिए ये मैलेट जैसा लग रहा है लेकिन कौन सा मैलेट है, ठीक है, रबड़ हैमर कहलाएगा, प्लास्टिक हैमर, लेड हैमर और ब्रास हैमर, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 48 का रबड़ हैमर हो जाएगा, या रबड़ मैलेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इसका हैंडल भी रबड़ का रहता है, अब फुल्ली रबड़ का रहेगा, और यहीं पर अगर लकड़ी मैलेट दे देता तो रबड़ हैमर नहीं देता, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी मैलेट कहलाता है ये, तो दो तरह का हम बताए थे कि एक वुडन मैलेट होता है, एक रबड़ मैलेट होता है, तो यहाँ रबड़ हैमर कहलाएगा ये।
अगला है 49 में कि राउंड जॉब को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राउंड जॉब का बात बोल रहा है, गोल वाला, तो इसमें वी क्लैंप, वी ब्लॉक, वी ब्लॉक एक टॉपिक है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, और क्लैंप के साथ, ठीक है, वी ब्लॉक विथ क्लैंप, ऊपर में वी ब्लॉक, ठीक है, वी ब्लॉक इस तरह का वी 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 आकृति का रहता है और ऊपर से एक क्लैंप रहता है, तो राउंड जॉब को वो पकड़ लेता है, तो वी ब्लॉक विथ क्लैंप के साथ, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझने में जो है आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला मिलते हैं अगला चैप्टर पे। धन्यवाद।